हमास ने 7000 रॉकेट एक साथ फायर किए तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता है? लिहाजा इसराइल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचा है। इसराइल पर जैसे ही हमलों की खबरें नेतन्याहू के दफ्तर पहुंची, उन्हें समझ आ गया कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। 7000 रॉकेट एक साथ मारे गए तो आयरन डोम भी फेल हो गया। आखिर वो कितने रॉकेट रोक सकता है? लिहाजा इसराइल में हुए रॉकेट धमाकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसराइल पर जैसे ही हमलों की खबरें नेतन्याहू के दफ्तर पहुंची, उन्हें समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। इन धमाकों ने इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है। ये नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सवाल है कि अब नेतन्याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे? ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. हमास ने इसराइल के कई सैनिकों को मार डाला है, तो कई को बंधक भी बनाकर गाजा की तरफ ले गए हैं ताकि आगे चलकर इसराइल से कोई डील की जा सके। लेकिन इसराइल के लिए सबसे शर्म वाली बात यह है कि उसके बहुत से बड़े हथियार इस हमले को नहीं झेल पाए हैं। इसमें ये मरकावा टैंक भी है जो हमास के हमले में ढेर हो गया और फिर फिलिस्तीन के लोग उस पर चढ़ गए। ये इसराइल का ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक टैंक माना जाता रहा है, लेकिन हमास के एक हमले में ढेर हो गया। इसराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। यह ऐसा टैंक है जिसे लेकर इसराइल ने फैसला किया है कि वो इसे कभी किसी देश को नहीं बेचेगा। जिस जलते हुए टैंक की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, उसी मरकावा टैंक को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनी हुई हैं। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती है। इसराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब इसी पर फिलिस्तीन के लोग सवार हैं। इसराइल की थल सेना का ये सबसे खतरनाक हथियार हमेशा इसराइल को बड़ी कामयाबी दिलाता आया है, लेकिन इस बार ये फेल हो गया। इसराइल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इसराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी घन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। लेकिन जब हमास ने हमला किया तो ये टैंक जहां था वहीं खड़ा रह गया। दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। लेकिन हमास के हमले के बाद इस टैंक से इजरायली सैनिकों को मुर्दा हालत में बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है। ये एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है, लेकिन इस टैंक को बचाने वाला बड़ा सिस्टम आयरन डोम की तरह ही नाकाम साबित हुआ। इसराइल के इस टैंक में अमेरिका के एब्रम्स टैंक वाली कई तकनीक जोड़ी गई है ताकि ये दुश्मन के अटैक से बच सके। ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने के बाद इसकी डिफेंसिव पावर कई गुना बढ़ गई है। ये इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। इसी टैंक के जरिए इसराइल अपने चार बड़े दुश्मनों को रौंदने की ताकत रखता है और उसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है। इसराइल का पहला दुश्मन है फिलिस्तीन और उसके लड़ाके ग्रुप जैसे हमास, दूसरा है लेबनान और हिजबुल्ला मिलिशिया, तीसरा है सीरिया और चौथा है ईरान, जिसे इसराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ईरान भी खुद इसराइल को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब से इसराइल 1948 में कायम हुआ है, तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इसराइल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया और अरब देशों के बीच इसराइल की इमेज बिल्डिंग को एक नया लॉन्च पैड मिल गया। इसे पश्चिम एशिया में शांति करने का नया फॉर्मूला बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब की सुलह कराने में भी जुट गया, लेकिन हमास के हमले के बाद जो माहौल बना है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन अब इसराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत कर चुके हैं। फिर ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इसराइल से सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बढ़ सकती है।
हमास के हमले से पहले इजराइल अपने लिए बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अब अरब मुल्कों से दोस्ती होगी तो उसकी राह आसान हो जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब ने जॉर्डन में अपने राजदूत को फिलिस्तीन का अनिवासी राजदूत करार दिया था। राजदूत को यरूशलम में काउंसल जनरल के तौर पर भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। लगा कि इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जो कोशिश पहले हुई है उसमें सऊदी अरब ने एक नया पेच फंसा दिया है, क्योंकि ये भी कहा गया कि यरूशलम राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इजराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। इसराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलम को राजनयिक बेस बनाने के विचार को खारिज कर दिया। इसराइल ने कहा कि सऊदी अरब के नए राजदूत फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां स्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब अब इसराइल को लेकर नरमी दिखाने से बचेगा, यानी इसराइल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक रिश्ते फिलहाल फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझने तक कायम नहीं होंगे। ये बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी कहते आए हैं। हमास ने इसराइल के अब्राहम अकॉर्ड में एक तरह से पलीता लगा दिया है। हमास के हमले इतने ज्यादा हुए कि इसराइल में 21 लोकेशन अचानक एक्टिव हो गई। हर लोकेशन पर हमास की हमलावर टुकड़ी मौजूद थी, लेकिन उनको ट्रैक करने में इसराइल को कई घंटों का वक्त लग गया। כמו שאתם מבינים, אנחנו נמצאים כרגע במצב מלחמה. אין פה שום מסבר אחר. התקפה רבתית באזור רצועת עזה ויישובי הדרום. יש לנו כרגע 21 מוקדים פעילים באזור הדרום. इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल इस हमले का बहुत बेदर्दी से बदला लेगा और वो हमास और उनके कमांडर्स को छोड़ेगा नहीं। अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। इस युद्ध को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बार हमास ने जिस डिग्री का हमला किया है उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है और उसके पास भी पूरी तरह बदला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमास और इसराइल के बीच जंग की नई तस्वीर सामने आई है। हमास के हमले के बाद इसराइल में वहां के सुरक्षा बल फौरन एक्शन में आ गए थे। नई तस्वीर इसराइल के ओफाकीम शहर की है, जहां इसराइल की सिक्योरिटी फोर्स हमास के आतंकियों से जंग आमने सामने की लड़ रही थी। तस्वीरें देखिए, इसराइल और हमास के बीच जब जंग की शुरुआत हुई तो जंग का ये नया वीडियो भी आया है, जहां पर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्स हमास के आतंकियों से सीधी जंग लड़ती हुई दिखाई दे रही है। आमने सामने की जंग यहां पर हो रही है। इसराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कई लोगों के मारे जाने की भी जानकारी है। इसराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट से किए गए हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास ने तेल अवीव और उसके पास के शहरों में यह हमला किया। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि ये हमला आखिर कहां कहां किया गया, ये अटैक किन शहरों के ऊपर हुआ, एक एक करके आपको मैप के जरिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर तेल अवीव, इसके अलावा अश्कलोन और यहां पर बीश शेवा, ये इसराइल के वो शहर है जहां पर अटैक किया गया और 7000 से ज्यादा रॉकेट्स यहां पर अचानक से दाग दिए गए। इसराइल इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। यहां पर सवाल इसलिए भी उठे कि क्या उनकी खुफिया एजेंसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, उनका आयरन डोम यहां पर फेल हो गया। लेकिन ये प्रमुख शहर है इसराइल के, तस्वीरों में यहां पर